चलो भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के पहले हम पढ़ रहे थे गुलाम सला, और गुलाम सला में हमने देख लिया था गुलाम सला में हमने देख लिया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, इतनी सारी बात हम कर चुके थे। अब आज आगे देखते हैं। ये आपका एप्साइलन नॉट लिखा है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको कल बताया था 1/4 पाई एप्साइलन एम लिखा मिल जाएगा, Q1 Q2 / r2। तो इसकी चर्चा हो रही थी। ये क्या चीज़ थी आपकी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस पे बात कर रहे थे। अब परमिटिविटी वर्ड क्या होती है, तो थोड़ा सा हमने बेसिक आइडिया लिया था कि जैसे फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स, एयर में कुछ और होगा, और जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, एयर की जगह कुछ और रिप्लेस किया, तो परमिटिविटी उसकी बदल जाएगी। इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। एग्जाम्पल लिया था हमने कि दो चार्ज पार्टिकल को एयर में प्लेस किया, फोर्स लगा 10 न्यूटन, और उन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को सेम डिस्टेंस पे हमने वाटर में प्लेस कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू सपोज कर लो आपकी हो गई 5 न्यूटन। तो ये किस फैक्टर से घटी? 2 के फैक्टर से। तो हमने बोला कि परमिटिविटी ऑफ वाटर 2 है, ठीक है। एयर में रखा 500 न्यूटन का फोर्स, किसी दूसरे मीडियम में डाला 50 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू घटी किस फैक्टर से घटी? 10 के फैक्टर से घटी। तो परमिटिविटी क्या हुई? 10। ठीक है, इतनी की बात हो गई थी। अब थोड़ा सा एक्चुअल वे में इसे परमिटिविटी ना बोल के हम कुछ और वर्ड बोलेंगे। देखो कैसे, कहीं पे भी आप फोर्स की बात कर रहे हो तो परमिटिविटी वर्ड जहां पे आ रहा है वो बता रहा है कि उस फैक्टर से वैल्यू कम हो रही है, किसके कंपैरिजन में। तो हमारा कंपेयर करने वाला एक फैक्टर हमारा हरदम ही हरदम क्या है? एयर है, ठीक है। तो ये जो आप 2, 3, 5 वर्ड यूज कर रहे हो परमिटिविटी के लिए, वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी चीज से आप कंपेयर कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। अब देखो इसी बात को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे Q1 चार्ज रखा, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा, और बीच की डिस्टेंस R करी। अभी स्टार्टिंग में हमारा मीडियम एयर है, स्टार्टिंग में हमारा मीडियम एयर है, और सपोज कर लो आप फोर्स की वैल्यू आ रही है 50 न्यूटन। इसे हमने मीडियम चेंज करके डाल दिया वाटर, वाटर में डाल दिया, और फोर्स की वैल्यू बन गई कितनी? 10। तो जो अभी तक आप वर्ड यूज कर रहे थे कि परमिटिविटी कितनी है? 5 है। भाई स्टार्टिंग में फोर्स आपकी 50 न्यूटन और बाद को फोर्स आपकी 10 न्यूटन, तो परमिटिविटी कितनी बनी? 5। अब हम वर्ड क्या यूज करेंगे? यही देखो, ये 5 किससे, किसी चीज से रिलेट करके आया, किसी मीडियम से, एयर से रिलेट करके आया। चीजों को हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो हम अब जो स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे इसके लिए वो क्या यूज करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। जो हमारा वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो पहले हम रिलेटिव परमिटिविटी को लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर, टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
किसका रेशियो बना, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे लिखने का तरीका क्या हुआ, इप्साइलन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो ई इप्साइलन और रिलेटिव परमिटिविटी क्या बनी आपकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ एयर। नॉट को हमने वर्ड यूज कर लिया, एयर परमिटिविटी उल्टा, सॉरी ये उल्टा हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। अपेक्षिक विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता डिवाइडेड बाय निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। चलो यहां से आप देखो इप्साइलन एन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, इप्साइलन नॉट इंटू इप्साइलन आर, ये यहां से इप्साइलन एम की वैल्यू हमने निकाली थी, इप्साइलन नॉट इधर चला गया, तो इप्साइलन एम इक्वल टू कितना, इप्साइलन नॉट इंटू इप्साइलन आर, ठीक है। इतनी सी बात में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको कूलॉम्स लॉ में थोड़ा सा एक बार करके देख लेते हैं, इतना आपने शायद नोट कर लिया होगा, आप नोट करते रहना। चलो इसको कूलॉम्स लॉ में हम क्या करते हैं, जैसे देखो एक चार्ज पार्टिकल हमारा क्यू वन है और इससे आर डिस्टेंस पे हमारा दूसरा चार्ज पार्टिकल है क्यू टू, ठीक। फोर्स जो लगेगा, अभी एयर की बात करते हैं, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो एफ नॉट आएगी, आपको पिछली क्लास में बता दिया हूँ। तो एफ नॉट कितना बनेगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने मीडियम चेंज कर लिया, तो किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो एफ एम, फोर्स इन मीडियम माध्यम में बल, वो कितना बनेगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना बनेगा। और अभी आपने पढ़ा है एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या, अभी आपका निकल के आया था एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक चीज क्या निकल के आई थी, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर, ये चीज अभी आपने निकाला है। अगर हम यहां से इप्साइलन एम की वैल्यू उठा के यहां पे पुट करें तो हमारा फोर्स इन मीडियम क्या बन के आया, वन अपॉन फोर पाई इप्साइलन नॉट इप्साइलन आर क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना बन के आ गया, ठीक। यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा कि फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम का जो रिलेशन मिल जाएगा वो थोड़ा सा देख लो। अभी मैं जिसको राउंड कर रहा हूं बस उसको ध्यान से देखना आप, क्या चीज है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्या है, फोर्स इन एयर या फोर्स इन स्पेस बोलो, बात एक ही है आपके लिए, ठीक है। तो ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये क्या चीज है, एफ नॉट। तो हम इतने सारे वैल्यू को एफ नॉट लिख सकते हैं, तो एफ एम कितना बना आपका, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। और अभी आपको बताया था परमिटिविटी वर्ड जहां भी आपकी यूज होनी है वहां पे फोर्स की वैल्यू एज कंपेयर टू एयर क्या होनी है, कम होनी है। और यहां से भी आपको दिख रहा है कि फोर्स इन मीडियम की वैल्यू फोर इन एयर डिवाइडेड बाय समथिंग है, और इसकी वैल्यू वन से हर हमेशा ही, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ही वन से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट से कम हो जाएगी, ठीक है। चलो इतनी बात आप समझ गए होगे। आपने कभी ध्यान दिया है देखो कि हम रिलेटिव पर, भाई परमिटिविटी ऑफ हमें स्पेस पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इतना पता है। तो हम परमिटिविटी ऑफ वाटर भी ले सकते थे,
परमिटिविटी ऑफ ऑयल, परमिटिविटी ऑफ मरकरी वगैरह वगैरह ले सकते थे, बट हमने ये वाला वर्ड क्यों यूज किया? तो देखो इसका आंसर ये है कि जैसे आप परमिटिविटी ऑफ एयर 8.85 × 10⁻², वगैरह वगैरह, तो इसी तरह का इतना लंबा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻², कूलाम स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना होता है। तो अब एयर का इतना है, स्पेस को स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेस का इतना है, तो आपको वाटर का भी इसी के समथिंग में आएगा, मतलब 9.95 × 10⁻³ या समथिंग पॉइंट समथिंग × 10⁻³। तो देखो इतना बड़ा फैक्टर हर मीडियम के लिए हमें याद रखना बहुत ही पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, ठीक। तो उस रिस्पेक्ट में देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या तो वन आएगी, सॉरी वन तो नहीं आएगी, वन अभी आएगी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर अभी देखेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, 2, 3, 5 ऐसे करके आएगी। तो ये इस चीज़ के कंपैरिजन में ये चीज़ हमारे लिए याद रखना बहुत ईजी है, तो हम इसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, कहीं से डाउट हो तो फिर आप बाद में देख सकते हो, पूछ सकते हो। अब एक चीज़ है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, ये देख लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर देखो कितना बनेगा, क्या फोर्स इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, यही होता है। तो यहाँ पे मीडियम आपका क्या है, एयर ही है, मतलब ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना बना, बस ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर है, ठीक है। और ये सबसे कम होती है, बाकी किसी चीज़ की भी रिलेटिव, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ही वन से क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब इतना सारा हमने पढ़ा हुआ है तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, और फिजिक्स आपकी जो होती है, फिजिक्स में जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो आपको क्वेश्चन लगाने से होता है, तो आप फोकस करो क्वेश्चन लगाने पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिख रहा हूँ इसको, आप लोग लिखो फिर उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये आपका बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हमने दो चार्ज लिया, मान लेते हैं हमारा पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, तो कहीं ना कहीं कूलाम्स लॉ की बात है, और आप कूलाम्स लॉ पढ़ चुके हो, क्या होता है एफ इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेना मीडियम आपका एयर है, एफ इक्वल टू 1/4πε₀Q1Q2/r², ये होता है। इसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है 9×10⁹, तो निकाल लेते हैं कितना बना, 9×10⁹ Q1 × Q2 और डिवाइडेड बाई 1² ये बना, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आपका कहीं Q1 और Q2 तो लिखा नहीं है, Q1 और Q2 आपने एज्यूम किया है कि Q1 हमारा पहला चार्ज पार्टिकल है, Q2 हमारा दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को मिनिमम बनाना है, कम से कम, जितना कम पॉसिबल हो सके उतना कम आपको बनाना है, जितना भी कम हो सके।
तो अब बताओ Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा? तो आई थिंक सबके दिमाग में यही आ रहा होगा, Q1 0, Q2 0, फोर्स की वैल्यू 0। नहीं, गलत है। सबसे कम बनाना है इसको, Q1 और Q2 को क्या करना है, सबसे कम बनाना है। ठीक है, तो Q1 की मिनिमम वैल्यू ले लो और Q2 की मिनिमम वैल्यू ले लो, तो ये फोर्स अपने आप क्या आएगा, सबसे कम आएगा। ये फोर्स अपने आप सबसे कम आएगा। तो आप पहली क्लास याद करो, जो चार्ज होती है, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है। यानी Q1 की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 की वैल्यू भी सेम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो आप रख दो, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1.6 × 10⁻¹⁹, Q1 और Q2 भी सेम होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर बनेगा। उतारिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इनके तीनों वर्टिसेस पे क्यू क्यू और क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, क्यू 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 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इनके बीच की डिस्टेंस आपकी एल है, इनके बीच की डिस्टेंस एल है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एनी ऑफ वन चार्ज। मतलब किसी एक आवेश द्वारा, किसी एक चार्ज द्वारा, किसी एक चार्ज पे लगने वाला कुल बल ज्ञात करें, नेट फोर्स फाइंड करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन आप उतारो, फिर इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। 11th क्लास की एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे आपको एक 4 और +5 ऐड करना है, 9 बन गया, 2 − 3 ऐड करना है, -1 बन गया। ठीक है, ये सिंपली आप ऐड कर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि ये जो 4 है ये क्वांटिटी आपकी स्केलर है, 5 जो है ये क्वांटिटी आपकी क्या है, स्केलर है। तो स्केलर का आप डायरेक्ट एडिशन करते हो, बट वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्ट एडिशन आप नहीं कर सकते हो, और आपकी फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बल आपकी एक सदिश राशि है, तो आप डायरेक्ट इसका एडिशन नहीं कर सकते। तो वेक्टर के एडिशन के रूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे काम का है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। जैसे हमारा एक वेक्टर ये ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर, और समथिंग इधर आपका कहीं ऐसे दिया हुआ है, वी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच की एंगल आपको दी है, थीटा है। अब इनको ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचते हैं, ऐसे हमने खींच दिया, और इसको मिला देते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये आपका एक बनता है पैरेललोग्राम। और इसका जो ये वाला डायगोनल है, ये वाला विकर्ण है, यही आपको क्या बताता है, रिजल्टेंट, यही आपको बताता है रिजल्टेंट। ठीक
ठीक है, तो हम इसको डिराइव नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं। ये 11th की चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा पीछे देख लेना वेक्टर वाले चैप्टर में। तो जो इनका रिजल्टेंट आता है वो कितना निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या चीज है, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा जो आपका है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, अगर आपको नहीं पता है तो बाकी सबको पता होता है, इस छोटी सी चीज है। ठीक है, तो इसका हम यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, किसी एक पे फोर्स बताना था, तो हम इस वाले पे निकालते, चाहे जिस पे निकालो सेम आएगा। ठीक है, कूलाम्स लॉ का यूज करो आप। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, अगर फोर्स दो चार्ज पार्टिकल पे लगता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दो चार्ज पार्टिकल हो यहाँ पे हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो वो भी है, और जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन नहीं, फोर्स किस पे लगता है, दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन पे ही, कहीं ना कहीं लाइन की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले पे निकालना है, तो अब इस वाले पे एक चीज ध्यान दो कि दो दो का पेयर, कूलाम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है, तो दो दो का पेयर बनाओ, तो देखो आपको एक पेयर यहाँ से बन रहा है और दूसरा पेयर आपका यहाँ से बन रहा है, दोनों फोर्स अलग अलग निकालते हैं उसके बाद देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन पे लगेगा, आपको पता है, और फोर्स का नेचर कैसा होगा, फोर्स का नेचर जो होगा वो रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल किधर भागेगा, इधर, मान लिया हमने फोर्स एफ लगाया, ठीक है, पहला वाला, अगर ये माइनस माइनस होता तो क्या होता, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, आकर्षण बल होता, तो आकर्षण बल में ये नीचे की तरफ सरकता, मतलब इस पे फोर्स किधर लगा, नीचे लगा, अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर लग गया, क्लियर सी बात है। ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा आपका, इधर। अच्छा, अब ध्यान दो इसकी बात कर लो, इन दोनों पेयर की, तो जो फोर्स निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब पहले वाला भी क्यू और दूसरे वाला भी क्यू, तो क्या बन गया आपका, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस, हमने बोला था आपसे कि यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, एल है, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। इस पे फोर्स जो लगेगा वो आप ध्यान से देखो तो इसके बराबर ही लगेगा, 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट है, इसको चेंज होना नहीं है, Q1 × Q2, क्यू स्क्वायर बना, बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल, तो एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब दूसरा वाला फोर्स भी कितना हुआ आपका, एफ के बराबर। अच्छा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपकी बल जो है वो सदिश राशि है, तो इसका आप एडिशन करोगे, सिंपली एडिशन नहीं हो सकता, तो आपको वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा, और वेक्टोरियल एडिशन अभी आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर का कैसे होता है। तो देखो एक वेक्टर ये है आपके पास, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, आपको चाहिए क्या होगा, तीसरी चीज बीच का एंगल चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बोल दिया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, जब साइड्स सेम होंगी तो उनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, और उसको आप देख लेना, इस ट्रायंगल का हर एंगल 60 60 60 डिग्री, यानी आपको ये वाला एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 मिला तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ आपका, 60 डिग्री। आपको सारी चीजें मिल गई हैं, जो फोर्स है वो आप निकाल लो कितना बना, एफ नेट कितना हुआ,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसके पहले लिखा था ए की जगह क्या है एफ, तो हमने लिख दिया एफ का स्क्वायर। बी की जगह क्या है एफ, लिख दिया हमने एफ स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 60। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, बहुत इजी चीज है, सॉल्व करते हैं। अब एक लाइन में लिखता हूँ, थोड़ा सा आप देखना इसे। कॉस 60 होती है आपकी 1/2, यहाँ पे 1/2, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कैंसिल आउट, बचा कितना एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ, मतलब कितना एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करके एफ स्क्वायर कितना मिला आपके पास अंडर रूट ऑफ 3f2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी एफ रूट 3, ठीक है एफ रूट 3 आ गई। और एफ की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू आप एफ की यहाँ पे रख दो, तो जो आपका एफ नेट निकला वो कितना निकला 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 है, तो हमने रूट 3 यहाँ लिख दिया, ये आपका हो गया आंसर। इसे आप उतारिए, समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ रही तो एक बार आप फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसे आप उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन कैसे वैरी कर सकता है। अगला वेरिएशन देख लो, ये आपके सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, और आपसे बोल रहा है इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे केंद्रक पे एक क्यू आवेश रखो, ठीक है। इसके सेंट्रॉइड पे आपने क्या किया, सेंट्रॉइड में बना देता हूँ, सेंट्रॉइड क्या होती है आपको पता है, जहाँ पे उसकी तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करें, कट करें, ठीक है। क्वेश्चन आपका है ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो आवेश रखा हुआ है, जो चार्ज रखा हुआ है, उस पे नेट फोर्स आपको बताना है, और ठीक है, और ये पॉइंट ए क्या है सेंट्रॉइड, लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट ए आपका है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये आपका जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो उतार लिया, अब सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, तो इस वाले चार्ज पे आपको फोर्स बताना है, तो आप क्या करो बस इसी चार्ज पे कंसंट्रेट करो, कॉम्बिनेशन तो इसके भी दो के बनेंगे, इसके भी दो के बनेंगे, इसके दो के बनेंगे, इसके भी 50, मतलब हर दम दो दो के कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, लेकिन इस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उसी चार्ज पार्टिकल पे कंसंट्रेटेड होना होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इस वाले चार्ज पार्टिकल के बारे में, तो आप ये वाला चार्ज पार्टिकल कितने दो दो के पेयर बना रहा है वो आप देखो। तो पहला पेयर आपका इससे बन गया, फोर्स की डायरेक्शन किधर बनी इधर, ठीक है। दूसरा इससे बना, इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर बनी इधर बनी। अच्छा अब
ये आपका देखो, एक फोर्स आपका ये हो गया, एक फोर्स आपका ये हो गया, इनका रिजल्टेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। तीसरा कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, ये इससे बन रहा है, और इस पे फोर्स किधर बनेगी? नीचे। इतनी सी बात बहुत इजी है, समझ में आ गई होगी। देखो क्यू चार्ज प्लस पॉजिटिव है, इस पे बात करनी है तो इस पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इसकी वजह से ये दूर भागेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इसकी वजह से इधर की तरफ बन गई, इस वाले की वजह से इधर की तरफ बन गई, ऊपर वाले की वजह से नीचे बनी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इन दोनों फोर्स को, ये अगर ये एफ हुआ तो ये भी एफ होगा, ये भी कितना होगा? एफ होगा, ठीक है। अच्छा आप देख रहे हो तो आपको एक चीज और समझ में आ रही कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। ये डिस्टेंस, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, डिस्टेंस आपकी क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक। चलो ये एंगल आपको समझ में आ रहा होगा 120 का, तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट इसका और इसका, इसका और इसका एफ डैश मान लेते हैं, कितना है? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। देखो ए स्क्वायर, ए की जगह हमने एफ रखा, बी स्क्वायर, बी की जगह हमने एफ रखा, प्लस 2 ए की जगह एफ, बी की जगह एफ, कॉस ऑफ 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू -1/2, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे ये वाला यहाँ आके माइनस होगा, ये प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कटेगा, कितने बचेगा? एफ। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी कितना आ रहा है? एफ आ रहा है। एक फोर्स एफ ऊपर की तरफ, एक फोर्स एफ नीचे की तरफ, नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स जो निकल के आए वो आपका निकल के आए 0। कैसे? देखो ये मार्कर है, आप इसे 50 न्यूटन से इधर खींचो तो ये इधर भागना चालू करेगा। दूसरे केस में 50 न्यूटन से आप इधर खींचो तो इधर भागना चालू करेगा। अब एक काम करो, एक ही साथ 50 न्यूटन आप इधर भी भगाओ इधर भी भगाओ, ये यहीं का यहीं पे रुका रहेगा। यहीं पे रुका रहने का मतलब क्या? नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो इस वाले केस का आंसर कितना है? 0। चलिए उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रायंगल पे जितने सारे क्वेश्चन आएंगे भी ये आप सॉल्व कर लोगे। स्क्वायर पे आते हैं, एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड एल है और इसके चारों वर्टिसेस पे, इसके चारों कोनों पे हमने क्यू क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, दोनों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा क्यू, वही क्वेश्चन फिर से है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एक तो पहले देख लो सारे ही प्लस प्लस हैं, अभी एक माइनस का वेरिएशन लेके आपको करवा दूंगा, सारे ही आपके प्लस प्लस हैं। तो इस पे फोर्स की बात करनी है तो केवल इस पे कंसंट्रेटेड रहो आप, ये कितने और चार्जेस से पेयर बना रहा है उसको ध्यान देना है। तो देखो ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये आपके तीन पेयर और ये आपके चार पेयर, चार पेयर बने, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, प्लस और प्लस फोर्स की डायरेक्शन आपकी इधर, क्लियर है। ये वाला फोर्स इसको का कैंसिल आउट कर दिया, ये वाला फोर्स इसे कैंसिल आउट कर दिया, एफ नेट कितना निकला आपका? 0। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, इस इतना देखिए, छोटा सा काम करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन। वेरिएशन आपका ये है, मिटाते हैं इसे, अभी क्वेश्चन यही सेम है, बस थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग करते हैं। अब ना, अब जो ये आपने सारे पॉजिटिव रखे थे, आप एक को निगेटिव कर दो, आप अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, लिख लेना उसे। एक को हमने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट फटाफट करते हैं, अब इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका इसे काफी अच्छा हो जाएगा। प्लस प्लस इधर फोर्स, प्लस प्लस इधर फोर्स, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को काट देगा, ठीक है। प्लस प्लस फोर्स इधर की तरफ, प्लस माइनस इसकी वजह से भी फोर्स किधर हुआ, इधर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, अब ये स्क्वायर है तो जितनी डिस्टेंस आपकी ये बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस ये बनेगी। यानी देखो, चलो इसकी बात कर लेते हैं, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 π ε। आगे से इसे हम के पूरा, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इतना लिखने के बजाय एक हम अलग से नाम दे देंगे के। तो जहां पे भी के लिखूं आप समझ जाना 1/4 π ε है, ठीक है। चलो 1/4 π ε, Q1 Q2 कितना हुआ, Q² / बीच की डिस्टेंस। चलो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपकी एल है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पूरी डिस्टेंस भी तो एल होगी, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 आपकी निकल के आ गई, और ये इतनी डिस्टेंस कितनी, L/2 निकल के आ गई, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला निकाल लो, आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। कितना बन जाएगा, हम ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बाद में इसको रख लेंगे, ठीक है। सेम डिस्टेंस ए यहाँ भी होगा, अगर ये डिस्टेंस आपकी ए है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी, क्लियर सी बात है। चलो पहले वाले की वजह से अगर एफ फोर्स लगा तो इस वाले की वजह से भी एफ फोर्स लगेगा, यानी जो आपकी एफ नेट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2F आ गई। अब एफ कितना, 1/4 π ε0 Q² / a²। ए की वैल्यू आप यहाँ इस ट्रायंगल से उठाओ, मैनिपुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लगा लो, ठीक है। नोट करिए इसे, चलिए स्क्वायर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके कूलॉम लॉ के क्वेश्चन है वो स्क्वायर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आपका स्क्वायर, आप लिखते जाना, एक आपका स्क्वायर है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, आप चाहे तो 2Q 3Q जो जो आपकी मर्जी कर सकते हो, बस हमने, हमारा इजी लेने का पर्पज ये है कि आपको कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं होंगी और चीजें समझ में आती रहेंगी कि हाँ वेरिएशन कैसे कैसे है, ठीक है। चलो वही क्वेश्चन फिर से है, फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ये आपका क्वेश्चन है कि जो पॉइंट ए पे आपका चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। अब आई थिंक आप समझ गए होगे और करना भी स्टार्ट कर दिया होगा आपने, आप पहले से खुद से सॉल्व कर लेना, फिर देखना सॉल्यूशन। देखो प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, ठीक है, प्लस प्लस फोर्स की डायरेक्शन किधर, ऊपर। और आप ध्यान से देखो, थोड़ी सी आप देखो तो जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये भी है, क्योंकि फोर्स कितना होता है बेटा, फोर्स आपका जो होता है
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइड हमने एल ली थी तो हमने एल ले लिया, तो ये कितना हुआ एल स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले इसकी वजह से फोर्स। अच्छा ये तो एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जितना इस केस में होगा उतना इस केस में होगा उतना ही इस केस में भी होगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। Q1, Q2, यहाँ भी आपका Q स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी आपका Q स्क्वायर बन रहा है, ये भी सेम। नीचे R की जगह डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे भी आपकी डिस्टेंस L है, यहाँ पे भी डिस्टेंस L है, तो L स्क्वायर। मतलब आप इतना ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि अगर ये वाला फोर्स F है तो ये वाला फोर्स भी कितना होगा F होगा। दो फोर्सेज आपको अभी मिल गए हैं, ठीक है, अभी आपको दो फोर्सेज मिले हैं, इनका पहले रिजल्टेंट बना लेते हैं। अब देखो दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये एंगल स्क्वायर है, तो ये एंगल आपका कितना बना 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 बना तो ये ऊपर वाला एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है 90 बन जाएगा। इलेवेंथ में जो आपका वेक्टर वाला चैप्टर होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर दोनों वेक्टर सेम हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनका परिमाण बराबर है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा इनके बीच से होके जाता है, यानी इसका रिजल्टेंट जो होगा ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इसे हम एफ डैश कर लेते हैं, ठीक है। और एफ डैश की वैल्यू पहले निकालते हैं कितनी आएगी, क्या आपका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह आपका कितना एफ स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 कितना होता है थीटा 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो हमने 90 प्लेस किया, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म कितना बनेगा जीरो, ठीक है। तो जो एफ डैश निकल गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब कितना टू एफ स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा एफ रूट टू, ये एफ डैश कितना आया एफ रूट टू, ठीक है इतना आ गया। ये वाला जो चार्ज पार्टिकल था एक पेयर इससे बना रहा था एक पेयर इससे बना रहा था, इन दोनों को सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया, एक पेयर इस वाले से भी तो बनाएगा ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, और इसकी वजह से भी फोर्स की वैल्यू इधर की तरफ ही आएगी, तो इसे हम मान लेते हैं एफ डबल डैश, इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, और एफ डबल डैश सॉल्व करते हैं, एफ डबल डैश कितना आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस काउंट होगी, ठीक है। ये अगर L है ये L है तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी L रूट टू, छोटी सी चीज है ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और R की जगह क्या L रूट टू, तो जब L रूट टू का स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल स्क्वायर, ठीक है। एक फोर्स हमने पहले इधर निकाल लिया, दूसरा वाला फोर्स एफ डैश निकल गया कितना के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल स्क्वायर, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसको आप उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जो एफ नेट बनेगा वो कितना आपका बन जाएगा एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, एफ डैश कितना आया था आपका एफ रूट टू, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे एफ आपका ये निकला, इसे हमने के लिख लिया, तो क्या लिखा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एफ डबल डैश कितना बना के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल स्क्वायर, के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर तो आपका निकल गया कॉमन, यहाँ से कितना बचा वन प्लस वन बाई टू, ये कितना हो गया थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, हमारा बेसिक बेसिक लेके चलो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको मैं मिटाता नहीं इसी में समझा देता हूँ। देखो इस वाले चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स पूछ रहे हैं, तो पहले इसकी वजह से हमने निकाला फोर्स किधर आया इधर आया, इस वाले की वजह से निकाला फोर्स किधर गया ऊपर गया,
और दोनों ही फोर्सेस आपके बराबर, तो पाइथागोरस बोल रहा हूँ, आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के इन दोनों का रिजल्टेंट बना लो, इतना निकला। ठीक है, फिर तीसरे वाले की वजह से भी फोर्स सेम डायरेक्शन में आई, कितनी आई, इतनी। जो नेट फोर्स आया दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों को हमने ऐड कर लिया, आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब थोड़ा सा आप देख लो क्या होता है, क्योंकि बार बार ये वर्ड आना है तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो, वेक्टर में रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक बंदा ये है आपका, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और मान लो एक दिन में इसने इतना काम किया, एक दिन में इसने इतना काम किया। ठीक है, दूसरा आदमी, दूसरा बंदा है, दूसरा आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में वो इतना काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये प्लस ये, इतना काम एक दिन में फाइनल होगा। और तीसरा आदमी जो है, तीसरा आदमी वो एक दिन में कितना काम कर दे रहा है, एक दिन में आपका काम कर दे रहा है इतना, इतना प्लस इतना एक दिन में कर रहा है। अब देखो, अगर आपको किसी काम को करवाना होगा तो या तो आप इन दोनों आदमी को लगाओगे काम पे, और या तो फिर आप इसे अकेले लगाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना इफेक्ट ये वाला इंसान, जितना इफेक्ट ये वाला इंसान दे रहा है, उतना इफेक्ट ये दोनों मिलके दे रहे हैं। ठीक है, वेक्टर में भी सेम चीज़ देख, ए वेक्टर आपकी ये, बी वेक्टर आपकी ये। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट भी हम बना लेते हैं, रिजल्टेंट इनका ये। ठीक है, जितना इफेक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके देंगे उतना इफेक्ट रिजल्टेंट अकेले ही देगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या, अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करना हो तो या तो ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर क्या करो, अकेले रिजल्टेंट को बना के दिखा दो। तो हमने स्क्वायर वाले केस में जो अभी आपने काम किया वो क्या किया, ऐसा रुक जा, आपने स्क्वायर वाले केस में जो काम किया वो क्या किया, आपने ये काम किया। जैसे यहाँ पे आपका क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, इसकी वजह से फोर्स इधर लगी और इसकी वजह से फोर्स इधर लगी। अब ये दो वेक्टर थे, ये मिलके जितना इफेक्ट देंगे उतना इफेक्ट इनका रिजल्टेंट क्या करेगा, अकेले देगा। तो या तो आप ये दोनों वेक्टर को एक साथ दिखा के काम चलाओ, या तो फिर इनके रिजल्टेंट को दिखा के काम चलाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इनको पहले निकाला और इनके रिजल्टेंट को निकाल दिया और ये हटा दिया। अब ये दोनों वेक्टर मिलके एक सिंगल वेक्टर बन गए थे, कितने का, जो आपने एफ डैश लिखा था, फिर इसकी वजह से दूसरा भी इधर की तरफ आ गया था, एफ डबल डैश, उसको सॉल्व कर लिया था। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कल कुलाम सलाम में और कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे।